आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन विषय 2 ECG कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे। मुख्यतः ये ECG मशीन का एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, उसके विभिन्न कंट्रोल्स को हम जानेंगे। बेसिक ब्लॉक डायग्राम आप पहले जान चुके हो, उसके विभिन्न कंट्रोल्स को देखते हैं आज। यहाँ जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ECG मशीन एंड इट्स कंट्रोल देखते हैं। जो ECG मशीन है उस पर बहुत तरह के कंट्रोल होते हैं, उनको मैंने यहाँ A से H तक डिवाइड किया है ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से। पावर स्विच, लीड सेलेक्टर स्विच, पोजीशन कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन बटन, सेंसिटिविटी कंट्रोल, पेपर स्पीड, स्टाइलस सीट कंट्रोल और मार्कर पुश बटन। पावर स्विच मेनली विच कंट्रोल्स द पावर ऑफ योर डिवाइस विच इज इन सर्टेन लिमिट। हम पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ये देख लीजिए ब्लॉक डायग्राम, एक पेशेंट के ऊपर 5 लीड कॉन्फिगरेशन, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग एंड चेस्ट। जैसा कि आपने लीड कॉन्फिगरेशन में देखा था कि लीड्स की पोजीशन को चेंज करते हम इसकी वेवफॉर्म को प्राप्त करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो ट्रांसड्यूसर की तरफ काम करते हुए लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करते हुए एक स्विचिंग सर्किट को देते हैं। स्विचिंग सर्किट का मतलब पर्टिकुलर आप लीड सेलेक्टर स्विच है ये, जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो लीड सेलेक्टर स्विच की सहायता से आप जो डिफरेंट वेव फॉर्म्स है और लीड की पोजिशन को चेंज करते हुए आप उसके अकॉर्डिंग सिग्नल प्राप्त करते हो। जो इनपुट सिग्नल है उस वो एक स्टैंडर्ड 1 mV सोर्स से कंपेयर करते हुए जो आउटपुट प्राप्त होता है उसको प्री एम्पलीफायर कर देते हैं। प्री एम्पलीफायर जो लो वोल्टेज सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करता है। प्री एम्पलीफायर का आप जानते हो इनपुट इम्पीडेंस हाई रहता है और CMMR भी हाई रहता है। यहाँ पर आप गेन की सहायता से उसका गेन कंट्रोल कर सकते हो एम्पलीफायर का, जिससे कि आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर बढ़ सकते हैं। जो प्री एम्पलीफायर से सिग्नल प्राप्त होते हैं वो एक ड्राइवर एम्पलीफायर को दिया जाता है, मतलब उसको पेन एम्पलीफायर इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया, जो कि उसकी पोजीशन जो आपका स्टाइलस है यानी PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, उसका कॉइल को मूव करेगा जिससे कि स्टाइलस मूव करेगा। यहाँ पे स्टाइलस मूव करेगा जो कि सिग्नल के अकॉर्डिंग, और स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को काम में लिया गया है, जहाँ पर ये स्टाइलस एक स्पेशल वैक्स कोटेड पेपर पे आपका जो कि स्टाइलस सीक्रेट होता सिग्नल के अकॉर्डिंग एंड मूव करता उस सिग्नल के अकॉर्डिंग पेपर के ऊपर, तो वो डार्क मार्क प्लेस करेगा आपके पेपर पे। और जो पेपर है और जो PMMC है सबका कंट्रोल, यानी इसकी पेपर की ड्राइविंग मोटर PMMC को सप्लाई यानी एक सब पावर सप्लाई की सहायता से इस जो ब्लॉक डायग्राम है उसको सप्लाई दी जाती है डिफरेंट वोल्टेजेस की, अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरह की सप्लाई यहाँ चाहिए। पेपर की स्पीड को मुख्यतः ECG में 2 स्पीड पे काम में लेते हैं पेपर को, जो कि आपका 25 और 50 mm/s है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पेपर की स्पीड को सेलेक्ट किया जा सकता है। मोटर को ऑफ एंड ऑन और रन की पोजीशन से और पोलरिटी को भी आप यहां से पावर सप्लाई की सहायता से कंट्रोल कर सकते हो। एक सिंपल ये ब्लॉक डायग्राम जिसका एक बाइफरकेशन यहां दिया गया था, इसको आपने यहां देखा। अब यहां देख लीजिए कि पावर स्विच सबसे पहले जो ऊपर है आपका पावर स्विच जो कि ब्लॉक डायग्राम में देखा। पावर स्विच का मेन है कि ये जो ECG मशीन को पावर सप्लाई करता है, जो कि इंडिकेटर लैंप की सहायता से आपको दिख जाता है कि पावर ऑन है या ऑफ है। ये पेपर ड्राइवर को सप्लाई देता है, PMMC को सप्लाई देता है, जिससे कि स्टाइलस सीट कर सकते हैं। लीड सेलेक्टर स्विच की सहायता से आप जो इलेक्ट्रोड्स लीड्स है उसकी 12 पोजिशन जो आप लेते हैं V1 से V6 लीड फर्स्ट सेकंड थर्ड AVR AVL AVL उनको सेलेक्ट करते उसके अकॉर्डिंग सिग्नल को आप
स्ट्रिप चार्ट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। पोजीशन कंट्रोल में हम स्टाइलस की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं कि वो प्रॉपरली आपका स्टाइलस ऑपरेट हो। स्टैंडर्ड पुश बटन स्विच की सहायता से आप जो इनपुट सिग्नल है उसको एक स्टैंडर्ड वोल्टेज से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन पुश बटन के साथ स्टैंडर्ड 1 mV सप्लाई को दिया जाता है, जिससे कि आप उसके कंपैरिजन में आप डिफ्लेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। सेंसिटिविटी कंट्रोल, सेंसिटिविटी का मतलब है ये एम्पलीफायर के गेन को सेट करता है सेंसिटिव। तो इसकी सहायता से आप सेंसिटिविटी को डबल, हाफ या जो कि अकॉर्डिंग टू आपकी आवश्यकता उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये मुख्यतः आर वेव जब मेजर की जाती है जो कि फ्लक्चुएट करती है उसको कंट्रोल करते हुए इस सेंसिटिव स्विच का ज़्यादा उपयोग होता है। पेपर स्पीड, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग डायग्राम को देखते हुए आपने देखा होगा कि इसकी स्पीड को दो तरह से कंट्रोल करते हैं ECG में, 25 mm/s और 50 mm/s। तो स्पीड को वेरी किया जा सकता है गियर रेशियो और एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द मोटर की सहायता से। जब आप P और T वेव को मेजर करें तो हायर स्पीड चाहिए, मोर रेजोल्यूशन के वक्त QRS कॉम्प्लेक्स इज पॉसिबल। तो ज़्यादा हायर स्पीड होगी तो आपकी वेव को स्ट्रेच हो जाएगी, स्लो होगी तो भी वो सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। सो इस रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो उसकी स्पीड को ऑप्टिमम रखा जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिप चार्ट पेपर। स्टाइलस हीट कंट्रोल, यानी स्टाइलस को जितनी हीट चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग वो उस पर डिमार्केशन करे पेपर पे, अदरवाइज वैक्स स्टाइलस के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी तो वो सही ढंग से वेवफॉर्म को ड्रॉ करने में सहायक नहीं होगा। तो यहाँ से आप हीट को कंट्रोल करते हुए, तो ये कंट्रोल आपका लो पोटेंशियोमीटर की सहायता से किया जाता है जो कि 2 ohm/W रेटिंग का रखा जाता है एक पोटेंशियल। मार्कर पुश बटन स्विच, ये जरूरी नहीं कि इससे हर एक किसी भी मशीन में हो या नहीं हो, ये स्ट्रिप चार्ट पेपर के ऊपर विशेष कोडिंग के वक्त काम आता है। डॉट एंड डैश के रूप में इसको काम में लिया जाता है, तो इसे मार्कर पुश बटन स्विच कहते हैं। इस तरह आपने जो ECG के कंट्रोल्स देखे, जो ब्लॉक डायग्राम आपने देखा कि वहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रोल्स देख सकते हो पेशेंट से, जब 5 lead कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से आप लीड सेलेक्टर स्विच की सहायता से इलेक्ट्रोड जब सिग्नल को कन्वर्ट करता है तो उसे आप प्री एम्पलीफायर को देते हैं। प्री एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करते हुए पेन ड्राइवर एम्पलीफायर, जिसको ड्राइवर एम्पलीफायर भी कह सकते हो, उसको देता है। 1 mV सिग्नल की सहायता से आप स्टैंडर्डाइज करते हुए उसको कंपेयर करते हैं। लीड सेलेक्टर की सहायता से डिफरेंट लीड्स पोजीशन को सेलेक्ट करते हुए वेवफॉर्म को लेते हैं। इसी तरह जो पावर सप्लाई है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि पेपर की जो मोटर है या स्ट्रिप चार्ट की जो मोटर वो एक प्रॉपर स्पीड से ड्राइव कर सके। और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोल स्विच भी है जो 2 speed पे वर्क करता है, 25 और 50। सेम है स्टाइलस को हीट देते वक्त हीट को कंट्रोल करने के लिए भी आपको एक सर्किटरी अवेलेबल रहती है, जिससे कि एक प्रॉपर हीट स्टाइलस को मिल सके और वो प्रॉपर डिमार्केशन आपके चार्ट पे दे सके। तो इस तरह जो डिफरेंट कंट्रोल्स है ECG के, एक ECG वेवफॉर्म या जो ECG वेवफॉर्म को ऑपरेटर वेवफॉर्म प्राप्त करता है एक पेशेंट से, वो ECG को ऑपरेट करते हुए इन कंट्रोल्स की सहायता से एक प्रॉपर वेवफॉर्म जो 12 position पे प्राप्त होती है पेशेंट के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकता है और सही ढंग से ECG को ले सकता है। अदरवाइज किसी भी कंट्रोल का यदि यूज़ सही ढंग से नहीं किया गया, जैसे हीट को कंट्रोल करना हो तो आपको पोटेंशियोमीटर की सहायता से उसको कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड को कंट्रोल करना है, लीड पे प्रॉपर सिलेक्शन को कंट्रोल करना है, तो इन सब को कंट्रोल करते हुए एक प्रॉपर ECG वेवफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और ECG कंट्रोल्स में हम बेसिकली जो ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से
विभिन्न कंट्रोल्स को आपने समझा और उसको जाना, यही ये इसी कंट्रोल का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।